मेरी बात सुनो, आपने कहा कि हम उन पे फसल लगाते हैं, यही कहा ना आपने? जी जी। तो यही फसल तो आप ही तो लगा रहे सर। मैं ये कह रहा, हम आज तक न देवबंद को मुशरिक समझते हैं न बरेलवी को, नहीं समझते जितने भी, आप नहीं समझते। इस बात पे फिर कायम रहना, मैं आपको बताऊँ। एक बताए किताबें, जितनी भी किताबें उठा के देखे, एक दूसरे के खिलाफ जिन्होंने भी किताबें लिखी, उसमें जमात इस्लामी की कोई ऐसी कोई किताब है? जमात इस्लामी की ऐसी कोई किताब है जिसने बरेलवी के हवाले से बरेलवी के खिलाफ किताब लिखी हो, उलमा देवबंद के खिलाफ लिखी हो, या इस अहले हदीस के खिलाफ लिखी हो? ये तो उलमा देवबंद और बरेलवी और अहले हदीस तीनों जो है ना एक दूसरे के खिलाफ किताब लिखी। चलो मेरी बात सुने, ये बताएं कि आपका नजरिया और आपका कायदा क्या है कि हुजूर सुसम हाजिर नाजिर हैं या नहीं है? सर मेरा जो नजरिया है ना, मैं मेरा नजरिया ज्यादा यही है कि अल्लाह के रसूल यानी अपने कब्र मुबारक में जब मौजूद है, लेकिन हर जगह जिस तरह बरेलवी कहते हैं पहुंचना और हाजिर होना आना, ये गलत है, ये शिर्क है। तो देखो अभी आपने कहा कि मैं ना आपको मुशरिक कहता हूँ ना उनको कहता हूँ, और तो आप रहे हैं। देखे ना मैंने कहा कि हम इस तरह के फतवे नहीं लगाते। तो हजरत आपने फतवा भी नहीं लगाया सर? मैं देखें, आप बात दूसरी तरफ ले जा, मैंने कहने का मकसद है जितनी भी किताबें उठा के देखें उसमें हमारी एक किताब भी है। देखे अब्दुल रऊफ भाई, आप कह रहे हमारी कोई किताब नहीं, आपने नहीं लिखी होंगी, अलग बात है। अभी आपने अपने मुंह से इकरार किया है आपके, मेरा अकीदा ये है कि उन सुने अब्दुल रऊफ भाई, आप सुने मेरी बात सुने। अभी आपने, मैंने पहले आपसे पूछा, आपने बोला ना हम इनको कुछ कहते हैं ना हम उनको कुछ कहते हैं, फिर आपने कहा कि सुने, आपने कहा कि हमारी कोई किताब इनमें मौजूद नहीं है। जी यही कहा था आपने। फिर मैंने कहा कि इस मुतालिक आप पर क्या अकायद और क्या नजरियात हैं, तो आपने अपना अकीदा और नजरिया बता के फिर बोला कि जो इसको उलट होगा उसका हम मुशरिक कहते हैं, यही बोला आपने? जी। तो पीछे आपने कहा कि हम किसी को नहीं कहते, अभी थोड़ी देर बाद आपने कहा हम इसको मुशरिक कहते हैं। मैं आपकी कौन सी बात मानूं, पहली बात मानूं या दूसरी बात मानूं? सर आप जो भी बात माने, मैं आप जो नहीं ना, देखिए भाई आप जो नहीं, आप बात कर रहे हैं अब्दुल रऊफ भाई, आप ऐसे नहीं कर रहे ना। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात पता, मुझे एक बात। जी जी हजरत, अगर हम बरेलवी को ये कहते हैं कि बरेलवी ने शिर्क किया, ठीक है, अच्छा मुझे एक बात पता, तो क्या हमारी ऐसी कोई इबारत मौजूद है जिसमें हमने कहा हो कि अल्लाह के रसूल को मैंने देखा है? ऐसी कोई इबारत है मौलाना मौदूदी के हवाले से या जो जमात उलमा उन्होंने देखे, ऐसी कोई इबारत मौजूद है? मेरे प्यारे भाई अब्दुल रऊफ भाई, आपने एक मसला हल करे, फिर मैं दूसरी तरफ जा जाता हूँ, उनकी इबारत दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो आपने देखे शुरू से बात आपने ये की कि उलमा देवबंद जो दूसरों के ऊपर पत्ते लगाते हैं, वही इबारत उनकी अपनी किताबों में मौजूद है, मैंने ये बात की, इबारत उनकी अपनी किताबों में। मुझे आप कोई एक इबारत बता दें जिसमें हमारे किताबों में ये इबारत मौजूद हो कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर मानते हैं, आप दिखा दें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये मुझे देखें,